हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाने वाले हैं लजीज और जायकेदार अफगानी चिकन। तो चलिए शुरू करते हैं। अफगानी चिकन बनाने के लिए हमने ली है 1 किलो चिकन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 बड़ी साइज़ का नींबू, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, 1 टेबलस्पून तेल, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी अमूल फ्रेश क्रीम, 15 से 20 छोटी हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का अदरक, 2 गांठे लहसुन के, 1 कटोरी काजू, थोड़ा सा हरा धनिया, मीडियम साइज की कटी हुई 3 प्याज। इस डिश में हमने जो भी सामान लिया है उसका हम पहले पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम चिकन में तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, नमक, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। और इनको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट। अमूल फ्रेश क्रीम, अब हम इन सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे सारे मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए 1 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में 1 घंटे रखने के बाद हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में 1 कप तेल लिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर इसमें चिकन डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन को फ्राई कर लेंगे। हमारी चिकन एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको पलट कर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। हमने जिस तेल में चिकन को फ्राई किया था उसी तेल में अब हम हमारा मैरिनेशन का बचा हुआ मसाला डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें इस तरह से पानी भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी डाला है। इस मसाले को हम तेल में 10 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारी ग्रेवी को पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें हमारा फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। और इसको ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। 20 मिनट के बाद हमारी अफगानी चिकन पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी इस चिकन में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हमने एक कटोरी में कोयला रखा है। अब हम इस कोयले के ऊपर 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसको तुरंत ढक देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी अफगानी चिकन अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी लजीज और जायकेदार अफगानी चिकन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको
हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।